धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में पहले मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को भेजने के आदेश दिए, जिसे लेकर पहले ही सियासी पारा चढ़ा हुआ था। वहीं अब केंद्र ने घाटी में अतिरिक्त 25,000 जवानों की तैनाती का फैसला लिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में इतनी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आखिर क्यों कर रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या होने वाला है कि घाटी में हजारों की तादाद में जवानों की तैनाती की जा रही है? आखिर मोदी सरकार के मन में क्या चल रहा है? क्यों सरकार दिन ब दिन घाटी में सुरक्षा बलों की बढ़ोतरी कर रही है? पिछले एक हफ्ते से ये सवाल सूबे के नेताओं और जनता के मुंह पर है, मगर जवाब कोई नहीं। अभी तक तो सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को भेजने के आदेश से जनता हैरत में थी, मगर अब सरकार ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त 25,000 जवानों की तैनाती का फरमान भी सुना दिया, जो कुछ ही दिनों में घाटी पहुंच जाएंगे। मई सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 दिनों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 281 कंपनियां कश्मीर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकार 15 अगस्त के मद्देनजर ये तैनाती कर रही है, मगर जिस तरह से एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि माजरा कुछ और ही है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार 15 अगस्त के बाद 3 बड़े फैसले ले सकती है। हो सकता है कि सरकार जम्मू कश्मीर का परिसीमन करना चाह रही हो, या फिर घाटी को मिले विशेषाधिकार को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रही हो। हालांकि अभी कुछ भी साफ नहीं है, मगर स्थिति को लेकर लोगों में डर जरूर है। तभी तो तमाम राजनीतिक दल सरकार से सवाल कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि सेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया? क्या यह परिसीमन को लेकर हो रहा है? इस तरह का अलर्ट अगर जारी किया गया है तो यह बहुत कुछ अलग है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।